हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड, आज मैं आपको टॉवल से बाथरोब बनाना बताऊंगी। ये मेरे पास एक छोटा टॉवल था, ये अब काम में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि इसका क्यों ना यूज़ किया जाए। तो ये मेरे गुड़िया का टॉवल था जो अब उसको पूरी तरह से अब कवर नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसका रीयूज़ किया जाए। तो टॉवल की विड्थ 33 इंच की है और लंबाई इसकी 20 इंच की है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम टॉवल को डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद हम इसका बीच में से सेंटर करके इसका नाप लेंगे। तो फ्रेंड, इसका नाप कैसे लेना है, मैंने ऊपर पिक लगाई है, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसका 8 इंच है, 8 का हम हाफ लगाएंगे, 4 इंच का। ये हमारा 4 से 5 साल के बेबी का है। इस तरीके से मैंने 8 का हाफ 4 लगा लिया है और मुड्ढे का निशान आप ऊपर पिक में देख सकते हो, इस तरीके से 12 इंच आ रहा है। और हाफ हम 6 इंच का निशान लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ से हम 2 इंच का निशान लगाएंगे। ये हमने सेम ही लेना है निशान, आप चाहे कितने भी बड़े या छोटे का बना रहे हो, यहाँ से हम 2 इंच का ही निशान लगाएंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड, यहाँ से हमने 2 इंच का निशान लगा लिया है और दोनों पॉइंटों को आपस में हम मिला देंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, दोनों को हम निशान लगा कर इंच टेप की हेल्प से आपस में मिला देंगे। इस तरीके से हम दोनों को मिला देंगे। मिलाने के बाद आप किसी भी कैंची, कटर या ब्लेड की हेल्प से दोनों परतों की कटिंग कर देंगे। इस तरीके से मैंने दोनों परतों की कटर की हेल्प से कटिंग कर ली है। कटिंग बड़े ही आराम से करनी है, बड़े ध्यान से, ज़्यादा ना कट जाए। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमने कटिंग कर ली है दोनों हिस्सों की। कटिंग करने के बाद अब हम इस पर पाइपिंग लगाएंगे। आप कोई भी मैचिंग कंट्रास्ट में इसकी पाइपिंग लगा सकते हैं। तो मैंने ये कपड़ा ले लिया है, इसकी मैं पाइपिंग लगाऊंगी चारों तरफ। तो फ्रेंड, इस तरीके से मैंने पट्टी ले ली है, इसको डबल फोल्ड कर लिया है और टॉवल को उल्टा करके इसको चारों तरफ से स्टिचिंग कर दूंगी इस तरीके से घुमाते हुए। तो सबसे पहले हम आगे से थोड़ा सा कपड़ा छोड़ देंगे, इसकी हम स्टिचिंग नहीं करेंगे और बिल्कुल किनारे किनारे इसकी स्टिचिंग करते जाएंगे। और इस तरीके से दोनों को मिलाते हुए स्टिचिंग करेंगे। अब यहाँ से हम टर्न करेंगे। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ से घुमाएंगे, घुमाते हुए अब हम यहाँ से भी दूसरे कॉर्नर को भी इसी तरीके से घुमाते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा लास्ट वाला पॉइंट है, यहाँ से हम नापते हुए इसकी भी कटिंग कर लेंगे और दोनों को आपस में इस तरीके से मिलाते हुए नीचे वाली जो किनारी वाला हिस्सा है यहाँ से हम स्टिच करेंगे। ऊपर वाले का हम बाद में स्टिच करेंगे, पहले हम यहाँ से स्टिच कर लेते हैं, यहाँ से स्टिच कर लेंगे अब हम इसको। तो फ्रेंड, इस तरीके से दोनों को पकड़ते हुए अब हम बीच में से सिलाई कर देंगे। यहाँ से हम सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के बाद इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे, यहाँ से हम फालतू कट कर देंगे। कट करने के बाद जो हमारा बीच वाला, यहाँ से हम सिलाई करेंगे इसको। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद अब हम इसको सीधा करेंगे, सीधे वाले हिस्से पर अब इसको कपड़े को एक बार और स्टिच करेंगे इस तरीके से फोल्ड करते हुए। इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे और बिल्कुल इसके किनारे किनारे पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अब हम इसको इसी तरीके से सारा हमने कम्प्लीट कर लिया है, हमने दोनों हिस्सों को इसी तरीके से पाइपिंग से कवर कर लिया है। तो फ्रेंड, अब हम इसको बीच में से जो सेंटर करेंगे एक बार, और बीच में से सेंटर करने के बाद हम इसके यहाँ पर बॉक्स प्लेट लगाएंगे। यहाँ से हमने सेंटर कर लिया है। सेंटर करने के बाद हम छोटे छोटे बल डालेंगे, बिल्कुल ज़्यादा बड़े नहीं डालने हैं। तो यहाँ पर प्लेट डालने से हमारा नेक है जो वो सेट हो जाएगा। और अब यहाँ पर हम स्टिच कर देंगे। तो फ्रेंड, हमने ये स्टिच कर लिया है इस तरीके से, हमने छोटी छोटी बॉक्स प्लेट डाली है एक। हमारा टॉवल रोप बनकर तैयार हो चुका है। अब हम लास्ट में इसमें बटन हुक या फिर आपके पास टिच बटन हो तो आप कुछ भी लगा लें। इस तरीके से मैंने दोनों किनारों पर टिच बटन लगा लिए हैं और दूसरी तरफ मैंने उल्टी साइड इस तरीके से एक ऊपर वाले किनारे पर और दूसरा मैंने मुड्ढे वाली साइड पर जो हमने पाइपिंग लगाई थी उस साइड लगाया है।
तो मैं आपको बंद करके दिखा देती हूँ किस तरीके से ये बंद होंगे। इस तरीके से पहले हम नीचे वाला बंद करेंगे और अब मैं ऊपर वाला बंद करके दिखा देती हूँ। इस तरीके से हम बंद करेंगे इसको और ये हमारा तैयार हो चुका है। आप इसको डेकोरेशन के लिए इस तरीके से बटन भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड हमारा ये आपको टावल रोप कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताइएगा और एक बार खुद भी ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।